कोई असामान्य स्थितियों के चुनाव हैं। असामान्य स्थितियों के अंदर किसी योद्धा के हार जाने से या किसी पार्टी के हार जाने से वो पार्टी हारी नहीं मानी जाती है। 2022 में तो और ज्यादा विचित्र बात है कि भाजपा के सोशल मीडिया में एक अखबार छपा जिसमें कांग्रेस के हवाले से ये कहा गया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। इन झूठ को काउंटर करने में कांग्रेस पार्टी बार बार विफल क्यों रहती है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले में 10 लाख का इनाम घोषित किया है कि 10 लाख देंगे हम और राजनीति छोड़ देंगे, कोई तो दिखा दे वो अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ। अगर जनता, आप कह रहे हैं कि बदलाव चाह रही, लेकिन जनता तो को एक तरह से देखा जाए तो उस चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित है और वो यूसीसी को लेकर भी उसके अंदर एक बहुत आकर्षण है और इसको लेकर भी। रामनगर में इन्होंने एक मजार फोड़ी, उसको हिंदू ज्यादा मानते थे, हिंदू उठ करके खड़े हो गए, उन्होंने विरोध किया। रिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है उसको लेकर भी बहुत सारी बातें, उसमें कई सारी चीजें तो असंवैधानिक, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शादी होनी है मोदी जी की और अमित शाह जी की, लाना था तो कॉमन सिविल कोड सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी ना, तभी तो कॉमन सिविल कोड बनेगा सारे देश के लिए, ये तो टुकड़ा टुकड़ा कोर्ट हो गए। हरीश रावत जो है वो अपने बेटे अपने परिवार का भविष्य देख रहे हैं, एक बड़ा आरोप जो लगता है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है वो कह रहे हैं कि पूरा भारत ही मेरा परिवार है। लोग कह रहे हैं कि भाई एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, वरिष्ठ नेता थे, उनकी जरूरत पूरे प्रदेश में कैंपेन की थी, लेकिन वो चूंकि बेटे के चुनाव की वजह से वो हरिद्वार में फंस कर रहे हैं। और फिर पार्टी ने मुझसे कभी ये कहा नहीं कि आपको सब जगह कंप्लेन करना है। मैंने तो ये तर्क 2022 में दिया था कि मुझे चुनाव न लड़ाइए, मैं सारे राज्य में कंप्लेन करूंगा, पार्टी को सत्ता में लाऊंगा। तब मुझसे कहा गया नहीं आपको लड़ना है। जब चुनाव लड़ना ही वो है तो मैंने कहा इस बार मैं फिजिकली लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरे बेटे को लड़ा दी। अब जब बेटे को लड़ाया है तो जिताना भी जा रहा है। मैं पार्टी को ये भी नहीं कह सकता कि साहब आपने टिकट दिया है आप जाने, पर आपने बाकी 4 सीटों को तो भगवान भरोसे छोड़ दिया। नमस्कार, अनदर इलेक्शन शो के तहत हम इस समय रुड़की आए हुए हैं। उत्तराखंड का बहुत मशहूर पुराना शहर है और ये जो हरिद्वार लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है उसमें पड़ता है और यहाँ का जो चुनाव है हरिद्वार लोकसभा का, वो उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें से आप कह सकते हैं कि बहुत हैवी वेट का चुनाव हो गया है। 2 VIP लोग हैं उनके बीच का चुनाव हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री, 5 के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई सारी पहचानें हैं इनकी, हरीश रावत हैं, उनके बेटे हैं वीरेंद्र रावत, वो लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ लॉन्ड्री पर हरीश रावत, आज चुनाव से संबंधित लोकसभा चुनाव की जो पूरे उत्तराखंड की स्थिति है उस पर हरिद्वार की विशेषकर बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ लॉन्ड्री पर। बहुत धन्यवाद। तो मेरा जो पहला सवाल है सर कि त्रिवेंद्र या वीरेंद्र क्या लग रहा है आपको दोनों में, खासकर जो मैं लोगों से सुन रहा हूँ समझ रहा हूँ, और बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से अपने तरफ से एक मुस्लिम उम्मीदवार को हरिद्वार की लोकसभा सीट पर उतारा है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि वीरेंद्र रावत के रास्ते में कुछ अड़चने हैं। आपको क्या लगता है एक नेता के तौर पर और एक पिता के तौर पर दोनों स्तर? देखिए, जनता जब बदलाव का मन बना देती है तो वो सब अड़चने अपने आप पार करवाती है। तो जनता ने बदलाव का मन बना रखा है और जब बदलाव का मन बना होता है तो सामने कौन है, कितना बड़ा है, क्या उसके पीछे पहचाने लगी हुई हैं, वो गौण हो जाते हैं। हम ऐसी स्थितियों से गुजर चुके हैं कि जब करीब करीब बहुत कम जान पहचान जिनकी थी वो व्यक्ति भी, क्योंकि बदलाव
कम आनस था लोगों का, तो हम उनसे भी चुनाव हार गए। तो इस समय भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता का मन क्या है। जनता इस समय बदलाव के पक्ष में है, लोग त्रस्त हैं, लोग उस मौके की तलाश में हैं जब वो भाजपा से छुटकारा पा सके। उनको लगता है कि बड़बोलापन बहुत हो गया है, लोगों को बहुत सारे सवाल अपने आप जो गांव में चर्चाएं होती हैं उन चर्चाओं में उभर करके आ रहे हैं, वो भाजपा के लिए सब शुभ संकेत नहीं है। इसलिए त्रिवेंद्र सिंह जी की हार निश्चित है और वीरेंद्र की जीत उससे भी ज्यादा निश्चित स्वाभाविक तौर पर होनी। आपने बहुत साफगोई से एक दो बातें कही हैं कि जब जनता ने मन बना लिया तो उसने आपको भी हरा दिया। आप एक वरिष्ठ नेता थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे, फिर भी हरा दिया जनता ने। तो ऐसा है कि आपको लगता है इस बार बीजेपी के साथ थी, पर एक बात जरूर कही जा रही है कि हरीश रावत जो है वो अपने बेटे अपने परिवार का भविष्य देख रहे हैं, एक बड़ा आरोप जो लगता है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, वो कह रहे हैं कि पूरा भारत ही मेरा परिवार है। तो ये जो परिवारवाद का ये ठप्पा है या ये जो सवाल है, इससे कैसे पार पाएंगे आप? देखिए, जिसने गृहस्थ धर्म निभाया वही समाज धर्म भी निभा सकता है, राष्ट्र धर्म भी निभा सकता है। मैं ज्यादा इस पर टिप्पणी आगे नहीं करना चाहूंगा जी, मगर जो परिवारवाद है, परिवारवाद तब है जब आप का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो लेकिन सीधे आप परिवार की वजह से या पिता की या माँ की वजह से आप बड़े पद पर आ जाए। जैसे लंदन से एक सज्जन पढ़ के आए, दुष्यंत सिंह, वो सीधे एमपी का टिकट मिल गया क्योंकि वो वसुंधरा जी के बेटे थे। पंकज सिंह जी को सीधे सीधे टिकट मिल गया क्योंकि वो राणा सिंह जी के बेटे थे, उनकी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं थी। यदि और नामचिन नाम ढूंढना है तो जैसा है, अमित शाह के बेटे की बात करें, अमित शाह जी के बेटे जो उनका क्रिकेट में कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन अमित शाह जी के बेटे थे इसलिए क्रिकेट के करता धरता बन गए। तो ये है परिवारवाद। जब कोई राजनीति में हो और राजनीति में होते होते ये स्टेज में आए कि उसे टिकट मिल जाए, और तो वो परिवारवाद नहीं कहलाया जाना चाहिए क्योंकि वो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता का हक पा रहा है। तो वीरेंद्र रावत को भी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए 25 साल हुए और 15 साल से तो मेरे साथ हरिद्वार की सेवा कर रहे हैं, तो हरिद्वार भी उनके लिए अपरिचित नहीं है कि अचानक कहीं से आ गए हों। तो इसलिए जो परिवारवाद की बात भाजपा कह रही है, भाजपा की दिक्कत यह है कि वो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खियों को भी नहीं देखते हैं और दूसरे के शरीर में कहीं लीक पड़ी है छोटी सी, बहुत टीनी लीक भी है या जुआ पड़ा हुआ है तो उसको खोजने चलते हैं। ये भाजपा की आदत है। तो वो विपक्ष में भाई आप इतने साल तक भाजपा बादल परिवार के मोह पास में रही, ठाकरे परिवार के मोह पास में रही, आज भी बीजू पटनायक आज तो आपके साथ हैं ठाकरे परिवार, सर मैं आज हमारे साथ है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जब उनके साथ थे तो परिवारवाद नहीं था, जब हमारे साथ आ गए तो परिवारवादी हो गए। तो मेरा अगला सवाल ये है सर कि 2017 का विधानसभा चुनाव, फिर 2022 का विधानसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव और फिर उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव, तो इन चार चुनावों में लगातार कांग्रेस पार्टी की शिकस्त हुई और कमोबेश देखा जाए तो ये चारों लोकसभा चुनाव में हरीश रावत इस प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, आपके नेतृत्व में करीब करीब ये सारे चुनाव लड़े गए और पार्टी की हालत खराब होती गई। तो ऐसा क्यों हुआ कि पार्टी की इतनी स्थिति खराब होती गई? पहली बात तो यह है, नेतृत्व में तो नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन अब मैं आगे था, चुकी थे मैं आगे था, मैं सीनियर वरिष्ठ था, मगर 2014 के बाद सारी परिस्थितियां बदल गई। 2014 में लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया, जिस परिवर्तन की आज आहट सुनाई दे रही है वो परिवर्तन 2014 में भी था, परिवर्तन के लोगों ने वोट दिया।
लेकिन उसके बाद जो 2019 का वोट था या 2017 का उत्तराखंड में वोट था या 2022 का वोट था, ये सब ध्रुवीकरण का वोट था। बल्कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में तो भाजपा ने सरासर नग्न झूठ बोला। 2007 में कहा कि भाई इन्होंने तो जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए जुम्मे की छुट्टी कर दी, मतलब शुक्रवार को छुट्टी कर दी। हम लोगों से कहते रह गए कि भाई किस विद्यालय में छुट्टी हुई है, किसी अस्पताल में छुट्टी होगी, किसी दफ्तर में छुट्टी होगी, कहीं तो छुट्टी होगी ना, तभी तो सरकार छुट्टी घोषित करेगी। जब तो ये 2017 में, हाँ 2017 में, और ये झूठ टॉप टू बॉटम सारी बीजेपी की लीडरशिप में बोला और एक साथ लास्ट तीन दिन के अंदर बोला, ताकि डिफेंस भी नहीं हो और ऑफेंस जो है जबरदस्त तरीके से एक झूठ का आधार लिया। तो ये 2017 में यहाँ सरकार जुम्मे की नमाज की छुट्टी के गर्भ से पैदा हुई भाजपा की सरकार, और 2022 में तो और ज्यादा विचित्र बात है कि भाजपा के सोशल मीडिया में एक अखबार छपा जिसमें कांग्रेस के हवाले से ये कहा गया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी जी। और उसको इतना बार दोहराया गया उसी अखबार को, सारे सोशल मीडिया में सब उसकी इतनी चर्निंग की गई कि हम खंडन करते रह गए जी। लोगों ने कहा अच्छा मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो सारा चुनाव एक झूठ पर आकर के निर्णय हुआ और झूठ भी पोलराइजेशन किया दादा। तो दोनों बार पोलराइजेशन, 2019 में राष्ट्रीय चुनाव भी पोलराइजेशन हुआ, हिंदू मुसलमान, उन्होंने मुसलमान के खिलाफ लोगों के मन में भावनाएं भर करके उससे चुनाव जीतने का काम किया। तो ये असामान्य स्थितियों के चुनाव हैं। असामान्य स्थितियों के अंदर किसी योद्धा के हार जाने से या किसी पार्टी के हार जाने से वो पार्टी हारी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये सत्तारूढ़ दल यदि पूरी तरीके से बेईमान हो जाए, अब प्रधानमंत्री जी आज भी एक उनसे भाजपा ने एक झूठ बुलवा दिया प्रधानमंत्री जी से, ये कह दिया कि गंगा तो हर की पैड़ी में, कांग्रेस गंगा को गंगा नहीं मानती है, जबकि बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल झूठ है। ठीक है, आप झूठ की बात आपने कही की और एक के बाद एक कई झूठ बोले गए, तो मेरा दो सवाल है। एक सवाल तो ये कि इन झूठ को काउंटर करने में कांग्रेस पार्टी बार बार विफल क्यों रहती है, और जब पहली बार ये स्थिति हुई तो आप चूंकि पावर में थे, सत्ता में थे, तो उस समय इस झूठ से निपटने के लिए या उसको एक शुरुआत में ही कल करने के लिए, खत्म करने के लिए कोई एक मानक स्थापित करने के लिए कड़ी कार्रवाई जैसी चीजों के पास संचार के माध्यम है। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने कब्जा कर रखा पूरा, नहीं आपको लॉ एंड ऑर्डर और पूरा प्रचार मंडली इस काम पर जुट जाती है, मतलब झूठ बोलो, सब झूठ को बार बार दोहराओ, सब मिलकर के दोहराओ, जोर से दोहराओ, जो गोवेल्स का सिद्धांत था। तो ये भाजपा को यूं ही गोवेल्स की संतान नहीं कहा जाता है, ये गोवेल्स के मानस पुत्र हैं बीजेपी वाले, और वो हम निरंतर देख रहे हैं कि झूठ गढ़ते हैं, सब मिल करके गढ़ते हैं, बोलते हैं और उसको उच्चारित करते हैं और लोग भ्रम में आकर के कर देते हैं। तो आप आज भी इस बार हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले में 10 लाख का इनाम घोषित किया है कि 10 लाख देंगे हम और राजनीति छोड़ देंगे, कोई तो दिखा दे वो अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ, जिस सो कॉल्ड अखबार में वो कहते हैं बयान दिया गया। अच्छा, ये आपका दावा है, चैलेंज है। उसकी कहीं तो प्रिंट लाइन होगी, कहीं तो रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन नहीं, भाजपा चुप। हमने उन पर आरोप लगाया कि भाजपा की वर्तमान सरकार मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्भ से पैदा हुई है, लेकिन किसी भाजपाई ने मुकदमा नहीं किया, हम पर खंडन भी नहीं किया, चुप्पी साध गए, क्योंकि वो जानते हैं कि वो चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, तो वो चुप रहो और इशू अपने आप दब जाएगा। मेरा अगला सवाल है सर आपसे कि ये सारी बातें काफ़ी हद तक सही हो सकती हैं, आपके जो है कि राजनीति में मिथ्या बातें फैलाकर और पॉलिटिकल लाभ लिए जाते हैं, फिर भी
अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में एक किस्म की आपाधापी की स्थिति है कि अब वो यहाँ पर हो या किसी और राज्य में हो या केंद्र के लेवल पे हो, नेताओं का बाहर जाने का सिलसिला चल रहा है। एक संगठित चुनाव लड़ने की स्थिति, चुनाव के एन मौके पर एक भगदड़ की स्थिति से ना तो वोटर का विश्वास पैदा होता है ना मतदाता का, तो कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में क्यों है? और ये उत्तराखंड में भी इस तरह इससे कोई भी सत्ता, यदि सत्तारूढ़ दल ये मान ले कि हमको विपक्ष को नष्ट करना है और उसके लिए संवैधानिक असंवैधानिक सारे अधिक हथकंडों का इस्तेमाल करें और ईडी इनकम टैक्स इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट दूसरी सब चीजें उनका इस्तेमाल करें, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक असाधारण परिस्थितियां हैं ये, और उन असाधारण परिस्थितियों में वो विपक्ष को उन्होंने कांग्रेस को हो या दूसरे को हो लोगों को दबाव में ले रहे हैं, जो कमजोर मानसिकता के लोग हैं या जो प्रलोभन में आ सकते हैं, जो खरीद में आ सकते हैं। अब उत्तराखंड में हमारी सरकार को गिराने के लिए खुली खरीद फरोख्त की भाजपा ने, खुली खरीद फरोख्त की। तो ये जो भाजपा की खरीद फरोख्त है इस तरीके की, और ईडी इनकम टैक्स सीबीआई सरकारी मशीनरी का जो दबाव है, ये सब का असर है। तो लेकिन इससे कोई भगा कांग्रेस में आपदा भी है वो नहीं है, कोई भगदड़ की स्थिति नहीं है, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि तलछट जा रहा है और समुद्र की मौज है। तो तलछट जा रहा है, लेकिन उससे मतदाता के ऊपर तो मन पर तो असर पड़ता होगा। मतदाता भी समझ गया है, मतदाता महाराष्ट्र के बाद समझ गया है कि ये जो है भ्रस 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 कहते हैं, दबाव में आते हैं, ले लेते हैं, फिर उसको सरकार गिराने में उसका उपयोग करते हैं और बाद में उसको उपयुक्त कर देते हैं। जब तक वो दूसरी पार्टी में होता है तब तक भ्रष्ट कहलाता है, और जब भाजपा में जाता है तो बिल्कुल केस पेंडिंग चले जाता, साफ पाक हो जाता है। मेरा सर, आपने एक सवाल किया, एक बात कही कि पोलराइजेशन के वोट थे दो, आपने 19 का जिक्र किया, 22 का जिक्र किया। उत्तराखंड की राजनीति, चूंकि आप यहाँ के इतने वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जनता के बीच में बहुत उसका एक स्वीकार्यता है, जैसे मजारों को, अवैध मजारों को लेकर एक अभियान चलाया गया, वो उस पर बड़ा तामझाम हुआ। यूसीसी जैसी चीज पास हुई इसी स्टेट में, इस राज्य में। तो जो कम्युनल और पोलराइजेशन की राजनीति है, या हम दंगे की बात करें जो हल्द्वानी में हुआ, इन सब चीज़ों के जरिए एक माहौल यहाँ पर निर्मित हो रहा है। अगर जनता, आप कह रहे हैं कि बदलाव चाह रही, लेकिन जनता तो को एक तरह से देखा जाए तो उस चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित है, और वो यूसीसी को लेकर भी उसके अंदर एक बहुत आकर्षण है, और इसको लेकर भी। रामनगर में इन्होंने एक मजार फोड़ी, उसको हिंदू ज्यादा मानते थे, हिंदू उठ करके खड़े हो गए, उन्होंने विरोध किया। देखिए, ये देवभूमि रही, इसमें साधु संत भी, पीर फकीर भी आए, उन्होंने जंगल में एकांत में डेरा बसा लिया, डेरा बसाए, वहां रहे बरसों से। कई मजारों की हिस्ट्री 100 साल की है, कई मंदिरों की हिस्ट्री, मेरे कुल देवता का मंदिर जो है जंगल में है, और डी ओक फॉरेस्ट में है। लेकिन अब तो आप उनको अवैध थोड़ी घोषित कर सकते हैं, ये ऐसे प्रश्न है। तो इसलिए चाहे वो मजार हो चाहे मंदिर हो, उनकी हिस्ट्री देखी जानी चाहिए। जो केवल कब्जे के लिए कब्जा हो रहा है, किसी सरकारी भूमि में अवैध अतिक्रमण हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार हमेशा स्वतंत्र है। आपने वहां पर मजार बनाने क्यों दी? आप अवैध कब्जा करने क्यों दे रहे हैं? यूसीसी को लेकर सर, यूसीसी को लेकर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें, उसमें कई सारी चीजें तो असंवैधानिक। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शादी होनी है मोदी जी की और अमित शाह जी की, लाना था तो कॉमन सिविल कोड सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी ना, तभी तो कॉमन सिविल कोड बनेगा सारे देश के लिए। ये तो टुकड़ा टुकड़ा कोड हो गया। आपने एक छोटे से राज्य को इसके लिए माध्यम बनाया। उस समय मुख्यमंत्री के पास कुछ बताने को था नहीं, तो उनको लगा
कि उन्होंने कॉमन सिविल कोड का एक नारा उछाला और केंद्र को ये लगा कि अब ठीक है कॉमन सिविल कोड के एक प्रयोग कर लेते हैं और देश के मानस को ये बता देंगे कि नहीं हम कॉमन सिविल कोड को भी भूले नहीं। जबकि हकीकत ही है कॉमन सिविल कोड लाने का इनको साहस नहीं आया, क्योंकि आदिवासियों में, जनजातियों में, दूसरे क्षेत्रों में, यहाँ तक कि सिख भाइयों में इसका बहुत बड़ा विरोध था। वो अभी भी है, अभी भी है। मेरा अगला सवाल सर इस और हम अपनी बात कह रहे हैं जी बाई मेथड, ये परसुएशन कॉमन सिविल कोड की दिशा में चलता रहना चाहिए। एक समय आएगा जब हम इन चीजों के नतीजे पर पहुंचेंगे, सोसाइटी तैयार हो गई है, जो संविधान कहता है, जो संविधान हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए और जब पूरा देश और उसका मानस एक साथ तैयार हो जाए तब हमें कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं एक बार थोड़ा सा फिर से इसी वापस हरिद्वार वाली सीट पर आता हूँ। मेरी बहुत सारे लोगों से जो बात हुई और कांग्रेस के उसमें कार्यकर्ता और वो लोग हैं, उन सबका ये मानना था कि अगर इस सीट पर कांग्रेस की जीत की गारंटी थी तो वो खुद हरीश रावत थे, उनको खुद लड़ना चाहिए था। आपने क्या मतलब अब बेटे को स्थापित करना एक लक्ष्य और फिर राजनीति में बूट जो कहते हैं संन्यास लेना टांग देना उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया? देखिए एक समय आता है और फिर आप क्यों नहीं लड़ रहे? अपने स्वास्थ्य के कारण होते हैं, मैं एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट हो गया, तो मैं यहाँ का सांसद रहा और अति सक्रिय सांसद रहा, यहाँ भी मेरा संपर्क लोगों से निरंतर बना रहा, देश की राजनीति में भी सक्रिय रहा जी। तो अब मैं वो समता अपने अंदर नहीं देखता। तो पार्टी ने कहा मुझसे, मैंने कहा भाई यदि लड़ना जरूरी है तो मेरे बेटे को लड़ाओ फिर। और मैं हरिद्वार के लोगों से भी कह रहा हूँ कि आप इसको आजमाइए, मेरे बेटे हैं, मैं मुझसे यदि उन्होंने कुछ भी सीखा है तो उसका लाभ आपको मिलेगा। और फिर मैं तो हूँ ना, कोई मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने सार्वजनिक जीवन छोड़ दिया है, तो मैं हरिद्वार के लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा। मैंने कहा आपकी तो 1+1 की स्थिति है, आपको तो एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुफ्त में मिलेगा, तो आप मुझको, मैं सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा। पर इससे कांग्रेस पार्टी के अभियान को नुकसान पहुँच रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, वरिष्ठ नेता थे, उनकी जरूरत पूरे प्रदेश में कैंपेन की थी, लेकिन वो चूंकि बेटे के चुनाव की वजह से वो हरिद्वार में फंस कर रहे हैं, वो कहीं जा ही नहीं रहे, कहीं बाहर नहीं निकल रहे, उनकी सारी प्रायोरिटी तो फिलहाल खाली बेटे का चुनाव हो गया। देखो जब हमारी अस्वस्थता या और चीजें हैं तो उसमें ये, और फिर पार्टी ने मुझसे कभी ये कहा नहीं कि आपको सब जगह कंप्लेन करना है। मैंने तो ये तर्क 2022 में दिया था कि मुझे चुनाव न लड़ाइए, मैं सारे राज्य में कंप्लेन करूंगा, पार्टी को सत्ता में लाऊंगा। तब मुझसे कहा गया नहीं आपको लड़ना है। मैंने 2019 में कहा, मैंने कहा भाई मुझे कंप्लेन करने दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ता। तो तब पार्टी ने कहा नहीं नहीं आपको चुनाव लड़ना है। जब चुनाव लड़ना ही वो है तो मैंने कहा इस बार मैं फिजिकली लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरे बेटे को लड़ा दीजिए। अब जब बेटे को लड़ाया है तो जिताना भी गारंटी है। मैं पार्टी को ये भी नहीं कह सकता कि साहब आपने टिकट दिया है आप जाने, टिकट तो मेरे सिफारिश पर दिया ना, पर आपने बाकी चार सीटों को तो भगवान भरोसे छोड़ दिया। नेचुरली जो है मुझे अपना समय देना पड़ेगा जी। नहीं ये भगवान भरोसे नहीं छोड़ा है, मैं निरंतर लोगों से संपर्क करता हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं 100 आदमियों से इन शेष 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी के बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ। तो मैं आपका एक रियलिस्टिक असेसमेंट जानना चाह रहा हूँ 5 सीटों पर, और आप मुझे भड़काइएगा मत, मैं रियलिस्टिक जानना चाह रहा हूँ कि लगातार 2 बार से 5-5 सीटें हार रही है उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी, इस बार क्या संभावना है? देखिए पौड़ी हम पहले दिन ही से जीत में हैं, क्योंकि वहाँ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनकी बड़ी स्वीकारिता है और लोगों की उनके प्रति भावना है, सहानुभूति भी है। और हरिद्वार में बिल्कुल कड़ी टक्कर है, और जितना हमने ग्राउंड कवर किया है यदि हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे
तो भाजपा को यहाँ बड़ी करारी शिकस्त खानी पड़ेगी यदि हम जारी रखते हैं। बसपा के कासमी साहब की वजह से आपको डर पैदा है, चिंता है? जनता जब समझ लेती है, जनता ने मान लिया कि ये वोट काटने के लिए एक्सरसाइज है, तो जिस वोट को टारगेट करके किया गया है वो वोट इससे और ज्यादा हमारे पक्ष में कंसोलिडेट हुआ है। अच्छा, और कंसोलिडेशन हुआ है तो इसलिए कोई उसका असर नहीं पड़ने जा रहा है। हम बस खाली अपने दर्शकों को तीनों सीटों पर भी हम बहुत अच्छी टक्कर में हैं। अच्छा। बहुत अच्छी स्थिति में हैं और कुछ भी हो सकता है परिणाम। इस सीट की, इस सीट का पिछला जो परिणाम था वो 52% से ज्यादा इस पर वोट निशंक जी को मिला था, जो कि एक और पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे। पिछले चुनाव की बात मैं कह रहा हूँ, आपने पूरी बात इस सीट पर तो भाजपा की नैतिक हार होगी। जिनको 52% से ज्यादा वोट मिला यहाँ, आपने उस व्यक्ति में अभी शारीरिक क्षमता है, यंग स्टिल यंग, स्टिल लॉट ऑफ पॉलिटिक्स उनमें बची है, तो आपने उनको पीछे किया। बट ही वाज नॉट ऑन टिकट, तो इसका मतलब है आपने मान लिया कि उन्हें जीतने की कैपेसिटी नहीं थी, वो उनके साथ हार निश्चित थी, तो आप नए चेहरे को लाए हैं। अच्छा, नया चेहरा भी लोगों का आजमाया हुआ है मुख्यमंत्री के रूप में। लोग सीधे सीधे पूछ रहे हैं, भैया किया क्या आपने, आप 3 साल 8 महीने रहे। अब जैसे मुझसे लोग पूछते हैं क्या किया हरिद्वार के लिए जी, तो हमारे कांग्रेस का आदमी उनको फटाफट जवाब देता है, ये किया, सड़क बनाई, पुल बनाया, ये काम किया, वो काम किया, बंदे बनाए, सब बना, सब जवाब देता है। तो भाजपा ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है, त्रिवेंद्र सिंह जी बताने की स्थिति में नहीं है। मैं बस एक चीज़ जोड़ दूँ यहाँ पर कि जो वोट के बात हो रही थी कि बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट की वजह से जो कंसोलिडेट हुई, ये जो सीट है, ये जो लोकसभा सीट है हरिद्वार की, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पूरे उत्तराखंड में जो मुस्लिम वोटर हैं वो इसी सीट पर सबसे ज़्यादा है, और वो 34% के आसपास हैं। तो उन वोटों में बिखराव का नुकसान होने की बात है, जिसके बारे में राव साहब का कहना है कि वो ऐसा नहीं होने जा रहा है। थोड़ा सा मैं राष्ट्रीय उसकी बात करूं, आप ही का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं 6-7 महीने पहले का, और आपने कहा था इंडिया अलायंस को लेकर कि ये टीथिंग प्रॉब्लम होती हैं, शुरुआत में बहुत सारे लोग मिले हैं, सब सही हो जाएगा बाद में और हम लोग स्मूथ सेल कर जाएंगे और एक अच्छा टक्कर, एक अच्छा विपक्ष का गठबंधन मिलेगा। पर आज की स्थिति में हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सारे के सारे दल अपना अपना राग लाप रहे हैं, अपनी अपनी दिशा में जा रहे हैं, तो इंडिया अलायंस का नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये एक भावनात्मक लड़ाई है, एक मैसेज की लड़ाई भी है। हमने एनडीए के खिलाफ इंडिया खड़ा किया है जी, तो हमने एक सामूहिक शक्ति 67% से ज्यादा वोट जिस ब्लॉक को मिला है उसको एक साथ खड़ा किया है। इसीलिए तो भाजपा में घबराहट है, इसीलिए तो दल बदल करवाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बौखलाए बौखलाए से घूम रहे हैं। इसका आप कोई सामान्य कंपेन थोड़ी कर रहे प्रधानमंत्री, तो इसलिए जो है ये सारी स्थितियां इसलिए बनी है क्योंकि हमने एक गठबंधन बनाया है। मैसेज साफ है कि ये पार्टियां एक साथ हैं, पर अब कहां राज्यों में कहीं कहीं थोड़ा तकराहट हो सकती है, नहीं है, एक महाराष्ट्र में सीटों की शेयरिंग नहीं हुई, एक पश्चिम बंगाल में नहीं, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में हो गया, कहां वो तो प्रकाश अम्बेडकर अपना ही राग लाप, वो प्रकाश जी थोड़ा नाराज चल रहे हैं, साथ आते पर आप अभी भी चुनाव के आखिरी चरण में एकदम होपफुल हैं। प्रकाश जी हमारे साथ तो है ना कांग्रेस के साथ, ऐसा नहीं है, पंजाब में नहीं हुआ कुछ, पंजाब में वो अकेले, आप लोग तो एकदम का लाभ मिल रहा है, पंजाब में हमने टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से ये किया है। आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में फ्रेंडली फाइट हो रही है आप और कांग्रेस की? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है, वो वोट जो है उसका लाभ हमको मिल रहा है कांग्रेस को, तो कांग्रेस जीत रही है वहाँ, तो हम और यदि हम तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर आप लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे को हराने में लगे, एक साथ होते तो हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी वोट का लाभ भाजपा को मिल जाता, उनको प्राणवायु मिल जाती, तो हमने तो कहाँ भाजपा हमने हमने अब वहाँ लड़ाई हर हालत में आप और कांग्रेस के बीच में है। हाँ, तो जिस चीज को आप लोग एक तरफा बना सकते थे उसमें लड़के आप लोगों ने संभावना बीजेपी के लिए नहीं हो रहा था ना, एक तरफा नहीं हो रही थी ना। अच्छा,
तो यही टेक्निकल, लेकिन दिल्ली में हो रही है, दिल्ली में, इसलिए हमने अलायंस किया बंगाल में से, और हमने घाटे के साथ भी अलायंस किया। अच्छा, बंगाल में भी यही स्थिति है। बंगाल में जो है, यदि हमारा अलायंस होता है तो जो एंटी तृणमूल वोट है वो भाजपा को चला जाएगा सारे का सारा। तो कम से कम जो कांग्रेस का वोट परसेंट जितना भी है वो हमारे साथ बधा रहेगा, तो इसका लाभ भाजपा को नहीं मिलेगा। अच्छा, पर ये भी तो हो सकता था कि आपका वोट टीएमसी को जाता है या उनका, आपको एंटी तृणमूल वोट के हम तीन क्लेमेंट हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन ये तो स्थिति हो सकती थी। हम और बीजेपी का करीब करीब वोट बैंक एक है बंगाल के अंदर, तो जो एक है बंगाल के अंदर एंटी कम्युनिस्ट वोट, एंटी ममता वोट, तो वो वोट हम बांटेंगे और भाजपा को नुकसान होगा। इसीलिए तो भाजपा जो है बंगाल में भी बौखलाई हुई है। बहुत आखिरी सवाल है सर, मैंने और मेरे पिछले कई सवालों से जुड़ा हुआ है तो इसलिए मुझे पूछना जरूरी लग रहा है। चाहिए अलायंस में जिस तरह की आप उसको टीथिंग प्रॉब्लम पहले शुरू कर रहे थे, आज की तारीख में ये लग रहा है कि ये काम कायदे से नहीं हुआ, ये बन नहीं पाया जैसा बनना चाहिए था। समय जितना देना चाहिए था आखिरी समय तक इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं हुई, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं बना, आज की तारीख में नहीं पता है कि कौन इसका संयोजक है, इसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं तय हुआ, कुछ हुआ नहीं है, ये एक सत्य है। दूसरा, ये एक समय में जो एक आलाकमान हुआ करता था जो कांग्रेस पार्टी का, जिसके लिए लोगों में देश के बहुत ज़बरदस्त आकर्षण था और नेताओं में उसको लेकर एक अनुशासन था, एक वो स्थिति, वो आकर्षण जो केंद्रीय नेतृत्व, मौजूदा जो नेतृत्व है आलाकमान है उसको लेकर, उसकी पकड़ ले कुछ पार्टी पर लेकर, पार्टी और राजनीति के प्रति उसकी समझ, मैं कहूँ या झुकाव को लेकर, वो छीण हुआ है, बिखर गया है बहुत काफ़ी हद तक, ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में हमेशा डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, वो ठीक बात है, लेकिन एक बार वहां से जब आ जाता है ऑर्डर, उसके बाद नेहरू के खिलाफ भी एक ब्लॉक था जी, बल्कि दो ब्लॉक थे, एक ध्रुव, एक दक्षिणपंथी रुझान का था, एक वामपंथी रुझान का था, लेकिन लेकिन नेहरू जी की बात को काटने की तो किसी में हैसियत नहीं। इंद्र नहीं, ऐसा नहीं है, काटा, लोगों ने बड़ा तकड़ा विरोध करते थे, तो नेहरू जी को तो उनकी लीडरशिप को भी चुनौती दी गई, इंदिरा जी की लीडरशिप को भी चुनौती दी गई, ऐसा नहीं है। हाँ, पर जो लोग चुनौती दी वो अलग हो गए। कांग्रेस के अंदर राजीव जी की लीडरशिप को भी चुनौती दी गई, तो कांग्रेस के अंदर हमेशा एक जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस रही है, स्पेस, हाँ, और उस प्रोसेस का से पार्टी के अंदर वैचारिक लड़ाइयाँ भी चली हैं, उसका फायदा और नुकसान दोनों हुआ है पार्टी आज, आप बिल्कुल, ये बहुत साफ हुई साहब ने कहा कि नुकसान भी हुआ है, दोनों हुआ है, मगर आज स्थितियां भिन्न हैं। आज का भारत अब थोड़ा बदल गया है जी। वो आज़ादी के आलोक में कांग्रेस की लीडरशिप, आज़ादी के उससे निखरी हुई लीडरशिप थी, आज संघर्ष की से निखरी हुई लीडरशिप है। अब राहुल गांधी धीरे धीरे इमर्ज कर गए, इस पदयात्रा के बाद उनकी स्वीकार्यता अब केवल कांग्रेस में नहीं रह गई है, बल्कि कांग्रेस से बाहर दूसरे दलों में भी हो गई है। आज बहुत सारे अपोजिशन के लीडर से वो खुल करके राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्नॉलेज करते हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो ये एक लक्षण है कि हम फिर मजबूत नेतृत्व तैयार कर रहे हैं, और इसको एक झटके की जरूरत है, एक झटका चाहिए। यदि ये झटका 2024 में लग गया, यदि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम जो इंडिया अलायंस है वो 250-300 की संख्या को पार कर जाता है तो भाजपा जी गई। तो आपको ये उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक बड़ा बड़ा हिस्सा भाजपा में भी ये चाहता है कि ऐसे कोई लोगों से आपकी बात होती है, ऐसा कुछ हो, क्योंकि लोग जो एक निहायत केंद्रीकरण हो गया ना, सत्ता एक दो हाथों में केंद्रीकृत हो गई है। जब एक दो हाथों में केंद्रीकृत होती है तो जैसे पहले कहा जाता था किंग
राजा कोई गलती नहीं करता है, तो आज भी भाजपा में भाव ये हो गया राजा कोई गलती नहीं करता है, तो लोकतंत्र में ये नहीं चल सकता है। और इसीलिए बहुत सारी गलतियां हो रही हैं और उसका खामियाजा देश भी भुगत रहा है और उसके खामियाजा जनता भी भुगत रही है। एकदम आखिरी सवाल सर, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर जिनको भुना पाने में, जिनको मुद्दा बना पाने में कांग्रेस पार्टी बार बार असफल दिखती है, चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो, बहुत दुखद मामला रहा और पूरे प्रदेश में एक तरह का सेंटिमेंट रहा और उसमें भाजपा के नेता और उसके परिवार की मिलीभगत साफ साफ रही और उसको बचाया गया भारतीय जनता, फिर भी वो उसको मुद्दा बना पाने में असफल रही है कांग्रेस। चीजों को मुद्दा बनाने में जो असफलता है वो कैसे, उसको कैसे, उससे तो आप अपनी अपना दामन नहीं बचा सकते। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, कांग्रेस कॉन्स्टेंटली इस इशू को उठाती रही है और इससे जुड़ी रही है। महिला सम्मान कांग्रेस ने हमेशा प्राथमिकता रखा है, अंकिता एक उदाहरण, अंकिता गुप्ता, ऐसे बहुत सारे हत्याकांड हैं, किरण हत्याकांड है, बहुत सारे और भी, हमारी दलित बच्चियों के साथ भी बलात्कार हुआ, मारे गए, वो सारे मामले हैं। तो कांग्रेस ने एक स्पष्ट लाइन ली है इस विषय में। अब ये चुनाव बताएगा कि ये कितना असर कर रहा है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि पौड़ी में, दूसरे इलाकों में इस ये एक इशू है जिसका, जिससे भाजपा घबराई हुई है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.